गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टीच यू मैथ क्लास फोर्थ। मैं आपको आज क्लास फोर्थ के मैथ को बताऊंगा, समझाऊंगा। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आएगी तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो अगर आप कहेंगे तो इसी वीडियो को फिर से बना के समझाने की कोशिश भी की जाएगी आपको, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक किसी भी टीचर के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको समझाएं। अब एसएस योरसेल्फ 1.1 क्लास फोर्थ के मैथ में ए, जो ए था वो सर ने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद बी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बी जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बी का जो क्वेश्चन है, राइट द रोमन नंबर न्यूमरल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो दिया गया नंबर है बेटा, उसका हमें रोमन नंबर में उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो रोमन नंबर आपको क्लास 2-3 में वही बताया गया है, आज ये क्लास 4 में भी रोमन नंबर आपको है। तो रोमन नंबर के लिए जितना आप उसको लर्न करेंगे, समझेंगे कि 1 से लेके 10 तक आप एक बार जहाँ लर्न करेंगे उसके बाद उसको बनाया जाता है, उसके बाद बनाते चले जाएंगे आपको लर्न हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। जैसा कि आपको रोमन नंबर में बताया गया था कि 1 से लेके 10 तक में जो 10 होता है वो एक्स होता है, जब 20 होगा तो डबल एक्स कर दिया जाएगा, जब 30 होगा तो ट्रिपल एक्स कर दिया जाएगा। ट्रिपल एक्स के बाद बेटा 4x नहीं होता, ये भी माइंड में रखिएगा, ना तो 4x होता है और ना ही 4i होता है। तो हम ध्यान अब चलेंगे आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट यानी ए है आपका 20, अभी हमने 20 के लिए बताया इसका डबल एक्स है, 28 के लिए हमने डबल एक्स ऐड कर दिया। अब हम 50 में आएंगे, 50 का होता है क्या एल्स, 50 का एल ये आपको लर्न करेंगे करेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि एल होता है, ये आपको लर्न ही करना होगा। उसके बाद होता 90 यानी 100 से 10 कम, 100 से 10 कम। जैसा कि हम जानते हैं कि रोमन नंबर का जो 100 होता है वो सी, रोमन नंबर में 100 सी होता है, तो हम सी में से 10 को माइनस करेंगे तो हमें 90 होगा और 10 हो जाएगा एक्स। और रोमन नंबर में जब नंबर से किसी नंबर से माइनस किया जाता है तो वो इसके माइनस सी से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो यही ये जो एक्स है ये आपको बाई तरफ चला है, जब ये बाई तरफ चला है बेटा ये हो जाएगा बेटा एक्स सी, एक्स सी जो होगा मिलेगा हमें से वो 90 होगा, वो 90 होगा। अब आगे चलते हैं 37 में। 37 में जैसा कि बताया गया था कि 30 के लिए या 10 के लिए एक्स होता है, 20 के लिए डबल एक्स होता है, तो 30 के लिए ट्रिपल एक्स होगा, ये 37 है ट्रिपल एक्स। अब हम 7 का ऐड करेंगे, 7 में 5 और डबल आई हो जाता है, ये हो गया बेटा 37। और उसके बाद 48 जैसा कि हमने बताया कि एल जो होता है 50 होता है, एल 50 होता है, अब ये हमारा 48 है तो हमको पहले 40 मिलेगा उसके बाद हम 8 को ऐड करेंगे, तो एल में से एक्स माइनस करेंगे तो हमने कहा कि एक्स के बाई तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स एल। अब एक्स एल में 40 हम ऐड कर देंगे, 40 ऐड करेंगे इसमें 8 ऐड कर देंगे, एक्स एल में 8 ऐड करें तो 8 ऐड करेंगे बेटा तो ये आपका हो जाएगा ये देखिए 8 ऐड करना, 48 हो गया बेटा। अब उसके बाद 28 आएंगे, 28 पे ध्यान दीजिएगा, ये 28 पे ध्यान देंगे तो ये आपका हो जाएगा डबल एक्स बी ट्रिपल आई 28, ठीक है ये। और बाकी जो आपके बुक में है एक बार करने का प्रयास करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रॉस का सिंबल विश टुगेदर डू नॉट स्टैंड फॉर यू, इसमें जो किसी नंबर, इसका मतलब ये जो राइट किया गया है नंबर्स को रोमन नंबर से, इसमें हम चेक करेंगे कि जो इसका नंबर, ये जो रोमन नंबर है इसका किसी डिजिट से संबंध है कि नहीं,
अगर संबंध है सही है तो हम टिक कर देंगे सही का, अगर रॉन्ग है उसको हम क्रॉस कर देंगे, गलत कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो अभी हमने बताया था कि ना तो 4x राइट कर सकते हैं और ना ही 4y राइट कर सकते हैं, तो ये 4y से हम ये रॉन्ग है कैसे क्रॉस कर दिया, गलत है ये। अब उसके बाद i ये भी रॉन्ग है, ये भी क्योंकि l से आप x को माइनस करना है तब जाके 40 बनता है, i n कोई नंबर बनता नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब 20 है ये, देखो x 20 प्लस 5 तो ये 25 हो गया, तो ये सही है, ठीक कर दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, x भी ये भी रॉन्ग है क्योंकि d में से कभी भी x सब्ट्रैक्ट नहीं होता, x सब्ट्रैक्ट ओनली l एंड c, l और c से ही सब्ट्रैक्ट इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये x 20 हो गया, ix 9 हो गया, 29 है, ये ट्रू हो गया इनका। अब आगे चलते हैं, भी ऐसा तो नंबर होता नहीं है कॉमन नंबर में, इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब उसके बाद भी डबल आई है बेटा, ये 7 है, ये सही है। उसके बाद एल और डी, एल नेवर सबट्रैक्ट विथ एनी नंबर, एल किसी भी नंबर से सबट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए यह रॉन्ग है। तो ये बेटा आपका था, इसके बाद आप अपने बुक में देखेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप उसे कमेंट करके या तो पूछ लेंगे या तो कॉन्टैक्ट करके हमको पूछ लेंगे या व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। आज बस इतना ही बेटा, बाय बाय।